पुलवामा का गुनहगार और जैश सरगना एक बार फिर ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बच गया है। चीन ने भारत की कोशिशों को तगड़ा झटका देते हुए आतंक की आका को बचा लिया, जिसे लेकर अब देश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर सीधा पीएम मोदी पर शब्दों के तीर फेंके हैं, जिसे बौखलाई बीजेपी भी हमलावर हो गई है। पाकिस्तान के जिगरे दोस्त चीन ने एक बार फिर अपने प्यारे यार का साथ देते हुए भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये कहते हुए ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि जैश के सरगना के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, उसे और वक्त चाहिए। चीन के इस कदम को एक तरह से भारत की कूटनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे लेकर मोदी सरकार अपनी नीति को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डरे हुए हैं और चीन के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कमजोर मोदी जी शी जिनपिंग से डरे हुए हैं। जब चीन भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उन्होंने दावा किया कि मोदी की चीन कूटनीति, गुजरात में शी के साथ झूला झूलना, दिल्ली में गले लगाना, चीन में घुटने टेक देना रही। आपको बता दें कि कांग्रेस पहले भी कई बार इस तरह के आरोप लगाती रही है। वही राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी अपने ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि अगर आपके परदाता जवाहरलाल नेहरू ने भारत की कीमत पर चीन को गिफ्ट नहीं दिया होता तो आज चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं होता। आपके परिवार द्वारा की गई गलतियों को भारत अब सुधार रहा है। भरोसा रखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत जीतेगा। मोदी को छोड़ दीजिए और गुप्त तरीके से चीन के राजदूत के साथ मुलाकात करते रहिए। तो पुलवामा के गुनहगार को लेकर अब देश का सियासी पारा गर्मा गया है। चुनावी मौसम है तो जाहिर सी बात है कि उस मुद्दे की गूंज अब दूर तक सुनाई देने वाली है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।